सीक्रेट का कोई प्रोविजन क्योंकि क्योंकि देखो ना अध्यक्ष जी नीली भगत देखो ना ये विप देना कि आप गैर हाजिर हो जाओ क्या मतलब इसका क्या मतलब है इसका अरे तुम कल तुम्हारे को निकाला तो आगे बैठो यार वोट दो खिलाफ वहां नहीं क्योंकि नीली भगत है ना वोट खिलाफ देने की हिम्मत नहीं है क्योंकि चार साढ़े चार साल में जो उन्होंने किया है मिलजुल मिलके हरियाणा को बर्बाद किया सबको मालूम है हरियाणा की जनता जानती है अब हरियाणा की जनता इनकी बहकाई में आने वाली नहीं है साफ फैसला कर चुकी 36 बरादरी चेहरे बदलने से नहीं होता है 36 बरादरी फैसला कर चुकी आने वाले लोग जो फैसला करेंगे कांग्रेस की सरकार बनाने जाएंगे बहुत बहुत धन्यवाद बोल चुके आपके लीडर आधा सेकंड जी मेरी सबमिशन है याद तो आपने शुरू किया था आधा तो रह गई एक बात आधा सेकंड आधा एक मिनट इसमें स्पीकर सर दो तीन महीने पहले एक समझौता हुआ था केंद्रीय जल संसाधन ऐसा बिल्कुल नहीं 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 उस बिल्कुल बैठ जाइए नो आई विल नॉट अलाउ नहीं नथिंग टू बी रिकॉर्डेड आदरणीय नो नथिंग टू बी रिकॉर्डेड यू देखिए काजा साहब मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बैठ जाइए आप बैठ जाइए प्लीज नहीं नहीं मैं बोल रहा हूँ बैठ जाइए प्लीज बैठ जाइए नहीं आप बैठ जाइए ये विषय नहीं है नहीं नहीं आप जितना जैसे आप बोलते हैं ऐसे कोई नहीं बोलता आप तो स्पीकर रहे हैं आपको तो नियमों की जानकारी रहनी चाहिए नियमों की जानकारी बैठ जाओ मंत्री जी बैठ जाइए आप नहीं बिल्कुल नथिंग टू बी रिकॉर्डेड यू आर टू सिट प्लीज मैं मेरा इसलिए कि आप मेरा बिना मतलब के बोल रहे हैं नहीं बिना मतलब के बिना विषय के बोल रहे हैं आप बोल चुके हैं अपना विषय नहीं सलाह वहां बात सिर्फ यही है कि ये इन्होंने सलाह दी है मुख्यमंत्री जी को बहुत टाइम है बाहर बैठ करके और इनके ऑफिस में जाके सलाह दे देना लिख करके भेज देना कोई दिक्कत नहीं ठीक देखिए कादियान साहब मुझे मजबूर ना करें प्लीज मुझे मजबूर ना करें चलिए हुड्डा साहब प्लीज ऐसे ये कैसे चलेगा माननीय मुख्यमंत्री जी धन्यवाद मान्य अध्यक्ष जी मंत्रिपरिषद के जो है विश्वास प्रस्ताव लेकर के आज यहां चर्चा हुई है इस चर्चा में हमारे 17 माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया आदरणीय रघुवीर काद्यान जी रावदान सिंह जी जेपी दलाल जी चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी नैनपाल रावत जी नीरज शर्मा जी मूलचंद शर्मा जी शमशेर सिंह गोगी जी कंवरपाल जी श्रीमती गीता भूकल जी असीम गोयल जी भारतभूषण बत्रा जी महिपाल डांडा जी बलराज कुंडू जी हरविंदर कल्याण जी चौधरी आफताब अहमद जी और हमारे विपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मैं धन्यवाद पूरे सदन का देता हूं ये मेरा सौभाग्य है कि सदन में
मुख्यमंत्री के तौर पर और सदन के नेता के तौर पर मुझे आज मेरा यहां इस सदन में पहला दिन है। पीछे भी इस सदन का मैं सदस्य रहा हूं और मुझे खुशी है कि जब मैं 2014 से 19 के बीच में सदन का सदस्य था तो इसी समय के अंदर मुझे एक कॉल आती है कि आपने दिल्ली में लोकसभा का चुनाव लड़ना है। इसी सदन से गया हूं। उस वक्त मैं एक मंत्री के रूप में काम कर रहा था। जब पार्टी ने आदेश किया, उच्च नेतृत्व ने आदेश किया तो मैं तुरंत यहां से छोड़ करके मैं दिल्ली की तरफ चला गया। पार्टी ने अब मुझे कहा कि आपने फिर यहां जिम्मेवारी को देखना है तो आज फिर मैं उस जिम्मेवारी के रूप में सदन के बीच में उपस्थित हुआ हूं। अभी बात कर रहे थे कि आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, जिनकी देखरेख के अंदर मैं पला हूं, बड़ा हूं, बड़ा हुआ हूं, और है तो आज फिर मैं उस जिम्मेवारी के रूप में सदन के बीच में उपस्थित हुआ हूं। अभी बात कर रहे थे कि आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, जिनकी देखरेख के अंदर मैं पला हूं, बड़ा हूं, बड़ा हुआ हूं, और उनसे बहुत कुछ सीखा है। एक बारीक से बारीक चीज भी सीखी है। एक भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता था और वो छोटा सा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न पदों के ऊपर रखते हुए पार्टी के अध्यक्ष के रूप में बैठा दिया और आज इस पद के ऊपर सदन के नेता के रूप में मुझे यहां विराजमान किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही संभव है, ये कहीं और संभव नहीं। मैं देखता हूं, मैंने देखा भी है मैं धन्यवाद करता हूं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, जिनके नेतृत्व में ध्यान है, मेरे ध्यान है, जिनके नेतृत्व में प्रदेश ने गुड गवर्नेंस का एक उदाहरण प्रस्तुत पूरे देश के अंदर किया है। प्रदेश को एक नई दिशा देने का काम 10 वर्षों के अंदर, 9.5 वर्षों के अंदर मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है। गजब के काम किए हैं और मैं तो उस परिवार का सदस्य हूं माननीय अध्यक्ष जी, जिसने स्वयं हाथ से खेत में से पशुओं का चारा काट करके सर के ऊपर गठरी रख करके पशुओं को लेकर के आने का काम किया है। मैं उस धान परिवार का बच्चा हूं। और उसी परिवार से आदरणीय मनोहर लाल जी आते हैं और ये भारतीय जनता पार्टी है। मैं धन्यवाद करता हूं शीर्ष नेतृत्व का भी, आदरणीय मनोहर लाल जी का भी, कि जिन्होंने एक ऐसी जिम्मेवारी के ऊपर, प्रमुख जिम्मेवारी के ऊपर बैठाया है। नहीं तो निर्णय करना कठिन हो जाता है आदरणीय अध्यक्ष जी कि मुख्यमंत्री के बाद कौन बनेगा। परिवार की तरफ सोचते हैं कि अगर कहीं जाना पड़ गया तो मेरा बेटा बनेगा, परंतु माननीय अध्यक्ष जी, ये भारतीय जनता पार्टी है,
जिस मुख्यमंत्री ने अपने एक छोटे से कार्यकर्ता को ये जिम्मेवारी सौंपी है, मैं मनोहर लाल जी का धन्यवाद करता हूं। वो तपस्वी है, उसका अपना नहीं है कुछ भी, वो प्रदेश के लिए है, पूरा जीवन उसने प्रदेश के लिए लगाया है। मुझे खुशी है, राज नहीं फकीर है, मनोहर लाल जी देश की तकदीर है। इन 9.5 वर्षों में जो मनोहर लाल जी की सोच रही है, ईमानदारी की सोच रही है, हमारे विपक्ष के लोग ये बात बोल रहे हैं कि इस दलदल के अंदर मनोहर लाल जी का दामन वो स्वच्छ रहा है, ये हमारे विपक्ष के लोग भी बोल रहे हैं, आपके नेता बोल रहे हैं, मैंने नहीं बोला। आप कहा नाम लिया है, ले लिया तो कोई गलत किया क्या? नहीं, बैठ जाइए, अब बात आपकी नहीं है ये। नहीं, बीच में नहीं है, सदन के नेता बोल रहे हैं, आप बीच में, सदन के नेता बोल रहे हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, आप बैठ जाइए। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप बैठ जाइए, सदन के नेता बोल रहे हैं, आप बैठ जाइए प्लीज। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपसे बैठ जाइए। ये कोई, ये आपको लाइसेंस भी मिला हुआ कादियान साहब, प्लीज बैठ जाइए। ये कोई आपको लाइसेंस मिला हुआ कि जमरजी आप खड़े हो जाए, जमरजी बैठ जाए, कोई आपको लाइसेंस नहीं मिला हुआ, प्लीज टेक योर सीट। सर मैंने नाम नहीं किसी का लिया, जिसने कहा है उसको मैंने थोड़ा रिलाइज कराया माननीय अध्यक्ष जी, अगर उसको बुरा लग रहा है मुझे नहीं मालूम है, परंतु मैं कह रहा था कि ये ऐसी सरकार इन 9.5 वर्षों के अंदर मनोहर लाल जी के नेतृत्व में चली, जिसकी सोच वो ईमानदार है और जिसका काम वो दमदार है। 9.5 वर्षों का अगर हरियाणा का कार्यकाल देखें, वो दमदार वो कार्यकाल आज हरियाणा के अंदर दिखाई दे रहा है, धरातल के ऊपर दिखाई दे रहा है, और उसी को लेकर के आज लोग हरियाणा के बोल रहे हैं। ये हम नहीं बोल रहे, ये हरियाणा प्रदेश और देश के लोग बोल रहे हैं, जब सोच ईमानदार है और जब काम दमदार है तो आज लोग बोल रहे हैं। फिर एक बार मोदी सरकार, भाजपा सरकार, ये लोग फिर बोल रहे हैं, ये दोबारा लोग अपने आप बोल रहे हैं, एक बार फिर मोदी सरकार और भाजपा सरकार है। आप देखना जो आप लोग कह रहे थे, मुझे खुशी है कि आप लोगों ने सरकार के विपक्ष का काम है कि जो उनको अच्छी बातें नहीं लगती उन बातों को उठाना, परंतु मैं ये पहली बार देख रहा हूं माननीय अध्यक्ष जी कि अगर एक गरीब व्यक्ति का घर बैठे हुए उसका आयुष्मान कार्ड बन जाता है, उसका घर बैठे हुए बीपीएल कार्ड बन जाता है, ये बात भी हमारे विपक्ष के लोगों को अच्छी नहीं लग रही। क्या कारण है मुझे मालूम नहीं है। हमारे बहुत ही सीनियर कादम साहब नेता बैठे हैं, जब मैं पिछले सदन में था, क्योंकि तब जिस प्रकार का सिस्टम प्रदेश के अंदर चलता था उस सिस्टम के अंदर मनोहर लाल जी ने एक मिशन मोड में काम किया कि हम इसका सुधार करेंगे, कोई तो करेगा, ये मनोहर लाल जी ने कहा कि अगर हम भी उसी धंधे के ऊपर चलते रहे तो सुधार कौन करेगा, सुधार तो हमने करना है। और उसको लेकर के जो बुजुर्गों को सम्मान भत्ता मिलता था उसको ऑनलाइन किया था, हम देखते थे, हमने देखा है कि उसके अंदर बहुत ज्यादा घपला हुआ था पेंशन के नाम के ऊपर,
और उसको पहली बार ऑनलाइन किया था। काजन साहब वहीं बैठे थे पिछली बार भी, अब भी वहीं बैठे हैं और अगली बार पता नहीं आ होंगे कहाँ होंगे, मुझे नहीं मालूम है इस बात का। परंतु मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, एक मिनट सर सर आफ्ताब जी, आफ्ताब जी अच्छी बात की है उन्होंने, अच्छी बात कही है सर। मैं नाम ले रहा हूँ, अगली बार पता नहीं कहाँ होंगे, यहाँ होंगे वहाँ होंगे कहाँ होंगे। सर सर एक मिनट, तो सदन के नेता ने ये बात कही कि भाई 2014 में थे आप, साथ दो आपके साथ था, हाँ साथ थे आप, लंबे समय तक इस सदन के सदस्य रहे हैं, पिछली बार भी यहाँ थे, अगली बार पता नहीं कहाँ होंगे। लेकिन स्पीकर सर, जैसा सदन का नेता विश्वास में जाए और उस पर स्पीचेस हुई हैं, लेकिन इस तरह से जो इन्होंने अपने भाषण को पॉलिटिसाइज कर दिया सारा, पॉलिटिसाइज नहीं होना चाहिए, पॉलिटिसाइज नहीं होना चाहिए, पॉलिटिसाइज ये अगली बार हरियाणा की जनता हमें यहाँ बिठाने का काम करेगी, मैं कहना चाहता हूँ यहाँ बैठेंगे। ठीक, ये तो आपका तो टेम्परेरी हेडक्वार्टर है जी, अभी तो जहाँ है वहीं बैठ जाओ, आपका टेम्परेरी हेडक्वार्टर है सीएम साहब। माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि हमारे बहुत ही सीनियर नेता हैं और लगातार इस सदन के सदस्य हैं, लगातार इस सदन के माननीय सदस्य हैं, क्योंकि मैंने जो देखा है मैं वो बात कर रहा हूं, इन्हीं के मुख से सुना। मैंने नाम इसलिए लिया, मैं नाम नहीं लू था, मुझे भी मालूम है, मैं नाम इसलिए ले रहा हूं कि जब उस पेंशन का सुधार आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, मनोहर लाल जी ने किया था, तो वहीं पर हमारे नेता ये खड़े होकर के बोलते थे कि किसी के नाम के अंदर जब ऑनलाइन हुआ, उसके नाम में कहीं गलती थी, उसके कारण से उसकी पेंशन नहीं पहुंच पा रही समय के ऊपर, तो दिखते थी थोड़ी, उसके अंदर सुधार किया गया और लगभग एक दो महीना लगा उस सुधार करने के अंदर। उस बीच में सेशन था, हमारे काजान साहब यहीं से इसी सदन से बोल रहे थे कि बुजुर्ग आज पेंशन के लिए कहा ऐसे करके देखता है कब आएगी कब नहीं आएगी। काजान साहब, ये मनोहर लाल जी ने जो सिस्टम बनाया है आदरणीय अध्यक्ष जी, कि आज हमारा बुजुर्ग 3,000 रुपये पेंशन तो मनोहर लाल जी ने दी है बुजुर्ग को, और उसकी छत के ऊपर पंखा भी नहीं रुकता, वो भी चलता रहता, उसको गर्मी में कहीं लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता, उसको इंतजार भी नहीं करनी पड़ती कि उसकी पेंशन कब आएगी, उसकी पेंशन तुरंत उसके खाते के अंदर पहुंचाने का काम इसी पोर्टल के माध्यम से ये मनोहर लाल जी ने किया है। ये सिस्टम बनाया है, गजब का सिस्टम बनाया है। और मैंने कहा है कि आप लोग कह रहे हैं कि ये पोर्टल, अरे जितना काम मनोहर लाल जी ने इसके माध्यम से लोगों को सुविधा दी है, चाहे सीएम इंडो की बात कर लीजिए, होता है माननीय अध्यक्ष जी, कई लोग होते हैं किसी के साथ जेलस होती है, वो जेलस के कारण उसकी एप्लीकेशन लगा देते हैं, उसको सफर करना पड़ता है, उसको घूमना पड़ता है, परंतु जो सीएम इंडो के माध्यम से घर बैठे हुए व्यक्ति को न्याय मिला है, यह पहली बार है कि मनोहर लाल जी की सरकार के अंदर दूर दराज बैठे व्यक्ति के, जिसकी कोई अप्रोच भी नहीं होती थी, कोई सोच भी नहीं सकता था कि थाने में जाकर के मेरी कोई बात सुन लेगा, उस व्यक्ति को भी अगर उसके साथ अन्याय हुआ है, उस अन्याय को भी सुनने का काम मनोहर लाल जी ने सीएम इंडो के माध्यम से किया है। और इसके आंकड़े भी है, हम आपको बता सकते हैं, कोई भी माननीय सदस्य अगर उन आंकड़ों को लेना चाहे कितनी